अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे तुरई। ये देखिए, अब बिना मसालों की बनाएंगे, बस नमक, हरी मिर्ची और प्याज की। देखिए, तेल रख दिया है, अब हम बनाएंगे। ये देखिए, कुछ इसमें पानी थोड़ा था, वो भी जल चुका है। ये देखिए, हम इसको बारीक बारीक छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके। हमने इसमें प्याज डाले थे, अब हम इसमें हरी मिर्ची और तुरई डालेंगे। हरी मिर्ची पड़ेगा, तुरई डालेंगे। हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है, और उससे पहले हमने
तेल गरम करने के, तेल गरम होने के बाद हमने प्याज डाली थी, हल्की सी ब्राउन भी हो गई है। और उसके बाद हमने गरम और हरी मिर्च डाले हैं। अब हम डालेंगे नमक। खाली हमने इसमें नमक और हरी मिर्चों से बनाई है, और प्याज, और कोई भी मसाले नहीं डाले, फिर भी देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी तुरई बनी है। कोई मसाले नहीं, हमारे वहाँ सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं खाए जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाले ना खाएं, ना ज़्यादा ऑयल खाएं। देखिए कोई मसाला नहीं पड़ा, एक नमक और हरी मिर्ची और प्याज, कितनी अच्छी बनी है देखिए। रोटी है मेरी, मैं अपना खाना टाइम से खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टोपा किसने दिलाया? मेरी तुम अपने ने दिलाया। बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया ये टोपा, कहाँ से लिया देखो तो। नानी के घर से। नानी का घर कहाँ है? सीकापुर। अच्छा, मेरी खाला ना का नाम है, मेरी खाला है वो, कौन है वो, कौन है वो? अप्पी। अप्पी है। तुम कब जाओगी नानी घर? देखे पिछला याद है, पिछला याद है, पढ़ो। पढ़ लिया सबक पढ़ो फिर, ठीक है। पिछला तो अभी बाकी है, ये तो ये भी पढ़ो।